नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। कहते हैं इश्क करो, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि दिल टूट जाए तो उसके जख्म भर सकते हैं, लेकिन भरोसा टूट गया तो फिर ना तो वो जुड़ सकता है, ना भरोसे में खोया विश्वास लौट सकता है। भरोसे को तोड़ने की ऐसी ही एक दास्तां मध्य प्रदेश के भोपाल से सामने आई है। भोपाल में एक युवक ने अपनी 23 साल की प्रेमिका के न्यूड फोटोज और वीडियोस वायरल कर दिए हैं। असल में युवती ने लड़के से रिश्ता तोड़ दिया था और युवक से बात करनी बंद कर दी थी। इसी बात से नाराज होकर बॉयफ्रेंड ने इस हरकत को अंजाम दिया। युवती ने बताया कि बॉयफ्रेंड के लिए कई बार न्यूड भी हुई थी। शातिर बॉयफ्रेंड ने तभी अपने फोन की स्क्रीन को रिकॉर्डिंग मोड पर रखा और ऐसे वीडियोस वायरल बना लिए, जिसे ही उसने वायरल कर दिया था। हालांकि युवती की शिकायत पर अब पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। 23 साल की ये लड़की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। उसने बताया कि करीब 2 साल पहले ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए बात सेवनिया के अनुपम दीक्षित से उसकी पहचान हुई थी। वो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की ही तैयारी कर रहा था, इसलिए दोनों के बीच दोस्ती हो गई और फोन पर बातचीत भी होने लगी। ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और फोन से बात वीडियो कॉल तक पहुंच गई, और इसी दौरान छात्रा न्यूड भी हो गई। युवती को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि लड़का उन निजी पलों को कैमरे में कैद कर लेगा और फिर उसे अपनी बात मनवाने के लिए इस्तेमाल करेगा। छात्रा ने बताया कि अनुपम ने उन्हीं क्लिप्स को दिखाकर उसे परेशान करना शुरू कर दिया और अनैतिक मांग करने लगा, जिसके बाद लड़की ने उससे बात करनी बंद कर दी। इसके बाद से ही वो लगातार लड़की को धमका रहा था। उसकी बात नहीं मानी तो 24 जनवरी को उसने वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसकी जानकारी उसे दोस्तों और परिजनों के जरिए मिली। इसके बाद उसने FIR दर्ज कराई। अब पुलिस ने आरोपी अनुपम को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने कबूल भी कर लिया है कि छात्रा ने बात करने से इनकार कर दिया था, इसलिए उसने ये सब किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके अलावा किसी और से बातचीत करे या संबंध रखे। आपको बता दें कि भोपाल में डेटिंग ऐप के चंगुल में लड़कियों के फंसने का ये दूसरा मामला सामने आया है। इससे पहले अशोका गार्डन में रहने वाली 24 साल की छात्रा से भी डेटिंग ऐप के जरिए आरोपी ने दोस्ती की थी और बहाने से बुलाकर उसका अपहरण कर उससे दुष्कर्म किया था। ये मामला भी शाहपुरा थाने में दर्ज हुआ है। बढ़ते ये मामले लड़कियों के लिए सबक हैं कि वो किसी अनजान युवक पर यूं ही भरोसा ना करें। दोस्ती करनी भी है तो पहले उसके बारे में पूरी पड़ताल कर लें और उसके बाद ही उसके साथ निजी पलों को साझा करें। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए वीके न्यूज MP। शुक्रिया।